हरिओम श्री राम अम्बज्ञ। मैं रूपाली वीरा राजगुरे रामबा केंद्र इंदौर से हूँ। अपना एक अनुभव छोटा सा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मुझे पता नहीं क्यों सपने बहुत बुरे आ रहे थे। बहुत डरी हुई थी, अच्छा नहीं लग रहा था, पता नहीं क्यों मन भी उदास रहता था। तभी एक दिन रात को, मतलब सॉरी सुबह सुबह 5 बजे के टाइम है, मेरे सपने में बापू, नंदाई और दादा आते हैं। मैंने आई से कहा, आई मुझे सपने बहुत बुरे आ रहे हैं। आई ने मुझसे कहा भक्ति का प्रमाण वाढ़ावा। ठीक है, अभी फिर मैं देखती हूँ कि बापू आया और आई, इन्हें ये खाना खाने का मतलब हमारे यहाँ पे मतलब हमारे ग्रुप के, हमारे रामबा ग्रुप के सभी लोग हैं और बापू आया और आई खाना खाने बैठे हैं। और इनमें भी मुझे वंदना वीरा खुरे और खुरे फैमिली ज़्यादा मतलब दिख रही है। तो मैं सोच रही हूँ उतरे में बापू राय कहते हैं राजेंद्र सिंह सब्जी में नहीं सॉरी भाजित मीट जास्ता है, नहीं सॉरी तिखट जास्ता है, भाजित तिखट जास्ता है। अब मैं नींद खुल गई मेरी और फिर मैं सोच रही हूँ कि मुझे सपने में बापू दिखे, सब लोग दिखे, ये तो बहुत अच्छी बात है, सब लोग दिख रहे ग्रुप के, लेकिन ये फैमिली हाईलाइट क्यों हो रही है? मतलब यही फैमिली क्यों हो रही है, और कोई क्यों नहीं हो रहा है? मैंने फिर मुझे थोड़ा ध्यान में आता है कि इस टाइम बापू राया की पादुकाएँ खुरे फैमिली के पास है, शायद हो सकता है ये रीज़न हो। मैंने उपासना वाले दिन वंदना ताई को ये चीज़ बताई कि बापू राया कह रहे थे कि आपके यहाँ की सब्ज़ी में तीखा ज़्यादा है। तभी वंदना ताई बताती कि हाँ 3 दिन पहले तो हमारे घर जो सब्ज़ी बनी थी ना, वो वाकई में बहुत तीखी हुई थी। बस यही, हरिओम।